मानस चौक के पास गुरुवार की शाम एक व्यापारी की कार से नकदी उड़ाई चुरा ली गई। वर्णी थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला है। धर्मपेट निवासी अनिल कुमार पांडे वाहनों की शोरूम का संचालक है। गुरुवार की शाम को वह अपनी कार से चालक के साथ घर जा रहा था। इस दौरान मानस चौक के पास उनकी कार पंचर हो गई। अनिल कुमार और उसके चालक ने पंचर बनाने वाले को बुलाया। वाहन से इसी दौरान कार की सीट पर रखा बैग किसी ने चोरी कर लिया, जिसमें 2,60,000 रुपए की नकदी थी। उल्लेखनीय है कि इस चौराहे पर हमेशा यातायात पुलिस तैनात रहती है, चौराहे पर चहल पहल बनी रहती है। इसके बावजूद किसी ने घटित प्रकरण को अंजाम दिया। आरोपी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आरोपी की तलाश में परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है, वही जांच जारी है। फिर्यादी आहेत हे इरोस मोटर्स आणि इरोस फर्निचर या कंपनी मध्ये काम करतात। कंपनी जी काही कॅश त्यांच्या जवळ होती। दिनांक 20 जानेवारी रोजी संध्याकाळी 6:15 सुमारास ते लोहापूल येथून येत असताना त्यांची जी 4-व्हीलर होती ती पंक्चर झाली, आणि त्यावेळेला पंक्चर झाल्यामुळे ती गाडी साईडला लावली होती, आणि याच्यातील फिर्यादी हे ठसका लागल्यामुळे ते थोडेसे गाडीपासून दूर गेले होते व ड्रायव्हर हा स्टेपनी काढून स्टेपनी बदलण्याच्या नादात होता। त्याच दरम्यान गाडीमध्ये एक लेदरची बॅग ठेवली होती, त्या बॅगमध्ये 2,60,000 रुपये कॅश व इतर काही कागदपत्रे होती। तर त्यांची नजर चुकवून कोणीतरी अज्ञात इसमाने ती बॅग पळवून नेली, त्याबाबत आमच्याकडे गुन्हा दाखल झालेला आहे। याबाबत पुढचा तपास चालू असून सीसीटीव्ही निगराणीखाली आहेत, तर त्या दरम्यान आमचा तपास चालू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे, BCN न्यूज नागपूर।